जो दिया की जो परंपरा चल रही है वो सालों साल तक चलेगी, ये तो आज है कल नहीं रहेगी। दीपों का त्यौहार तो दीपों तो होता ही है, लेकिन फिर घर पे भी आदमी अब नया ट्रेंड चल रहा है कि लाइट लगाते ही है, दीप भी जलाते हैं लेकिन लाइट भी लगाते हैं। क्या दिए का अब यूज़ कम हो गया दीपावली में? हाँ ये तो है, थोड़ा कम हो गया है। फिर ये चाइनीज सब दिया आ रहा है, यही सब जला रहा है सब। दीप के साथ लाइट्स लगाते हैं या फिर सिर्फ लाइट से सस्ता? नहीं, लाइट्स भी लगाते हैं, दीप भी लगाते हैं। दीप तो हम लोग का महत्वपूर्ण दिया है। चाइनीज माल बहुत कम रहता है, जैसे 10 मीटर का राइस है, 10 मीटर का राइस का यहाँ 40 रुपया है, तो अगर इंडियन होगा तो सीधा 200 रुपया का रेट हो जाएगा, इसलिए चाइनीज सामान ज़्यादा बेचाते हैं। इसका सेल बहुत कम हो गई है। क्यों, कारण क्या लगता है? प्रीपेड मीटर का लेकर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सीजल आपके साथ। रोशनी का त्यौहार दीपावली कल से आरंभ हो जाएगा, कल धनतेरस है, उसके बाद छोटी दीपावली, फिर बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज, 5 दिनों का ये दीपावली का पर्व कल धनतेरस से आरंभ हो जाएगा। और ये रोशनी का पर्व है जिससे आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा बाजार रंग बिरंगे लाइट से सज धज के तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में यहाँ पर पूरा लाइट लग चुका है और यहाँ पर खरीदारी करते भी लोग आपको दिखेंगे, किस तरह से लोग बाज़ार में खरीदारी कर रहे हैं लाइट्स की। उनसे बात करेंगे कि जो त्यौहार है रोशनी का त्यौहार दीपावली, उसको लेकर क्या खरीदारी करने आए हैं। तो सर, दीपावली पहले मूलतः दीपों का त्यौहार माना जाता था, रोशनी का त्यौहार है, तो अब नए बदलाव के साथ लोग दीप के साथ साथ चाइनीज़ लाइट्स भी जलाते, तो आपको क्या लगता है कि ये बदलाव कितना तक सही है? कितना तक सही नहीं है, दीपों का त्यौहार तो दीपों तो होता ही है, लेकिन फिर घर पर भी आदमी अब नया ट्रेंड चल रहा है कि लाइट लगाते ही है, दीप भी जलाते हैं लेकिन लाइट भी लगाते हैं, दीप के साथ साथ लाइट भी लगाते हैं। अच्छा, ये नए नए डिज़ाइनर जो लाइट दीप के डिज़ाइन में आ गए हैं, तो इससे क्या लगता है कि दीप पहले के मुकाबले अब कम इस्तेमाल में आते हैं दिवाली के दिन? बात सही है, कम आते हैं, लेकिन फिर भी दीप जला ही जाते हैं, लेकिन दीप का कम यूज होने लगे हैं लाइट के मुकाबले, लाइट अब ज़्यादा यूज होने लगे हैं। अच्छा, ये लाइट्स के जो चाइनीज़ लाइट्स रहते हैं तो रेट क्या रहता है इसका, कोई आइडिया? रेट का कोई आइडिया नहीं, ये दुकानदार ही बताएंगे। अच्छा ठीक है, और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे कि ये भैया लाइट्स की खरीदारी आप कर रहे हैं दीपावली को लेकर। यस मैम, यस मैम। तो ये हर साल लाइट्स लगाते हैं इधर? यस यस यस, हर साल लगाते हैं। ठीक है भैया, चेक कीजिए तो। हाँ बोलिए। और दिए के मुकाबले लाइट्स जो अब इस्तेमाल होने लगे हैं, तो क्या दिए का अब यूज़ कम हो गया दीपावली में? हाँ ये तो है, थोड़ा कम हो गया है। फिर ये चाइनीज़ सब दिया आ रहा है, यही सब जला रहा है सब। तो चाइनीज़ माल रहता है तो तुरंत हर बार ख़राब हो जाता है, तो हर साल लेना पड़ता होगा? हाँ ये तो है, हर साल लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो खरीदारी करने आए हुए हैं, आप लाइट्स की खरीदारी कर रहे हैं तो घर पे सजाने के लिए या दुकान पे सजाने के लिए? दोनों जगह। तो दीप के साथ लाइट्स लगाते हैं या फिर सिर्फ लाइट से सस्ता? नहीं, लाइट्स भी लगाते हैं, दीप भी लगाते हैं। दीप तो हम लोग का महत्वपूर्ण दिया है, उसके बिना तो दिवाली मनेगी नहीं, तो लाइट तो हम लोग अच्छे दिखने के लिए लगाते हैं। तो क्या अगर लाइट जो अब नया ट्रेंड आ गया, नया फैशन आ गया, तो लाइट से क्या लगता है जो पारंपरिक दिया की जो परंपरा है उसमें थोड़ी कमी आई है? नहीं, कोई कमी नहीं आएगी, जो दिया की जो परंपरा चल रही है वो सालों साल तक चलेगी, ये तो आज है कल नहीं रहेगी, लेकिन दिया का जो परंपरा है वो हमेशा चलेगी। तो ये अभी लाइट्स का जो अभी ट्रेंड चला हुआ है जिसके कारण दीपावली में लाइट्स की बिक्री बढ़ जाती है, तो क्या जो डिफरेंट लाइट्स रेट क्या रहते हैं? देखिए, चाइनीज माल बहुत कम रहता है, जैसे 10 मीटर का राइस है, 10 मीटर का राइस का यहाँ 40 रुपया है, तो अगर इंडियन होगा तो सीधा 200 रुपया का रेट हो जाएगा, इसलिए चाइनीज सामान ज़्यादा बेचाते हैं। तो लोगों की डिमांड फिर चाइनीज ज़्यादा रहती है? चाइनीज बहुत रहती है, सबसे ज़्यादा पूरा चाइनीज ही बेचा रहा है, पूरा मार्केट में चाइनीज बेचा रहा है, चाइनीज बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो ये तो फिर चाइनीज माल खराब भी तो उतना ही जल्दी, क्योंकि एक साल में खराब हो जाता है। कितना? ठीक है, एक साल में चाइनीज माल खराब हो जाता होगा, फिर हर साल लेना पड़ता है। तो बिक्री का क्या सिस्टम रहता है कि हर साल बिक्री इसी का रहता है? अगर हम इंडियन भी बेचते ओरिएंट कंपनी का, उतना नहीं जितना चाइनीज का है।
अच्छा भैया, डिफरेंट डिज़ाइन के जो लाइट्स रहते हैं उनके तो डिफरेंट रेट्स रहते हैं? अलग अलग रेट्स सबका रहता है। तो ये मीटर के हिसाब से मिलता है या फिर पर पीस के हिसाब से? पीस के हिसाब से मिलता है। अच्छा, हर साल के मुकाबले सेल इस बार क्या लगती है, बढ़ी है? इस बार बहुत घट गई है, बहुत ज़्यादा। क्यों, क्या लगता है? ये वाला दे रहा है। इस बार सेल बहुत कम हो गई है। क्यों, कारण क्या लगता है? प्रीपेड मीटर का लेकर। देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने कहा कि कितने भी लाइट्स आ जाए, कितने भी लाइट ट्रेंड में आ जाए, लेकिन जो पारंपरिक दिए का जो महत्व है वो कभी कम नहीं होगा। और साथ ही साथ दुकानदार का कहना है कि हर साल के मुकाबले इस बार लाइट्स की बिक्री कम हो गई है, क्योंकि जो प्रीपेड मीटर जो अभी बिहार में काफ़ी चर्चे में है, जो बिजली बिल जिससे काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, उस कारण से भी लाइट्स की बिक्री इस बार दुकानों में कम हो गई है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मौजूद है और आज तेरस से एक शाम पहले आप देख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का माल दुकानों में सज धज के तैयार है। कल धनतेरस के सुबह से ही ख़रीदार यहां पर मौजूद हो जाएंगे और यहां पर भीड़ लग जाएगी ख़रीदारी के लिए। वॉशिंग मशीन से लेकर फ्रीज से लेकर सब कुछ यहां पर लगा दिए गए हैं। LED स्क्रीन्स भी पूरी तरह से यहां सज धज चुके हैं। पूरा दुकान में माल भर आ चुका है, हर तरह के माल यहाँ मौजूद है। हम बात करेंगे दुकान के मालिक से कि धनतेरस को लेकर दुकान में भी क्या क्या तैयारी हो चुकी। दुकानदार लोग सभी तैयारियाँ कर चुके हैं, ग्राहकों के लिए अच्छी खासी छूट दी जा रही है और साथ में गिफ्ट भी दिया जा रहा है और ग्राहक की इंक्वायरी अच्छी है, ग्राहक आ रहे हैं। धनतेरस इस बार धनतेरस को लेकर उम्मीद क्या है कि पिछले बार से ज़्यादा सेल होगी? ये तो कल ही बतला पाएंगे, लेकिन ठीक ठाक ही रहना चाहिए। तो कस्टमर के लिए क्या क्या खास ऑफर्स रहेंगे? प्राइस ऑफर हैं हम लोगों के यहाँ, एक्सटेंडेड वारंटी है, 3 इयर्स 5 इयर्स की वारंटी है, 10 साल की वारंटी है, प्राइस का ऑफर है, साथ में एक हम लोग कस्टमर को सरप्राइज गिफ्ट भी दे रहे हैं। अच्छा, डिमांड जिसकी ज़्यादा हो? डिमांड अभी 32 इंच TV की ज़्यादा डिमांड है, वॉशिंग मशीन की डिमांड ज़्यादा है, चूँकि सामने सर्दी का मौसम है, कपड़ा सूखने में प्रॉब्लम होती है, तो वॉशिंग मशीन का डिमांड ज़्यादा है। तो ये कल ही पता चल पाएगा कि इस बार की सेल कैसी है? जी जी, कल पता चल पाएगा। देख सकते हैं कि दुकानदारों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पर कुछ खरीदार अभी दिख रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि वॉशिंग मशीन की खरीदारी करने आए हैं। हाँ, ऑटोमेटिक का तो ऐसा रेंज दिख रहे हैं। तो क्या कल खरीदारी करनी है, आज रेंज देखने हैं? हाँ, आज बुकिंग कराने आए हम लोग। तो कल लेना है? हाँ, कल के लिए। अच्छा, तो ऑफर्स भी धनतेरस को लेकर रहते हैं, तो क्या इसीलिए भी खरीदारी करनी है? हाँ, तो ऑफर्स तो आप तो शॉपकीपर हमको बताएंगे ना कि क्या क्या ऑफर, अभी तो हम आए हैं देखने, सर्च करने की क्या क्या सा है। खरीदारी कल करनी है? बुकिंग आज करेंगे, कल ले जाएंगे। अच्छा, देख सकते हैं कि लोग खरीदारी करने के लिए या देखने के लिए आए हैं दुकानों में, लेकिन खरीदारी धनतेरस को लेकर कल ही करेंगे। उनका कहना है कि आज बुकिंग कर लेंगे लेकिन घर सामान को कल ही ले जाएंगे। तो आपको दिखाया किस तरह से दुकानों में अभी लाइट्स, चाइनीज़ लाइट्स की बिक्री हो रही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक दुकान भी किस तरह से तैयार है कल के धनतेरस को लेकर, किस तरह से पूरी चीज़ें तैयार है कल धनतेरस की बिक्री को लेकर, सारे दुकानदार तैयार है, साथ ही साथ किस तरह से लाइट्स भी सज धज चुकी हैं पूरे मार्केट में और कल बिक्री भी होने के लिए सब कुछ तैयार है। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।